जनता से मांगो माफी। दादा घूम के माफी मांगो, उधर खड़े हैं लोग। सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी। वो सोशल मीडिया पर चाकू लहराकर दिखाते थे दबंगाई, वो सरेराह लोगों को करते थे परेशान। अब आए पुलिस की गिरफ्त में तो उनके माफीनामे को देखकर लोग भी रह गए हैरान। आइए जानते हैं इंदौर के इस पूरे मामले को विस्तार से। हाथ जोड़कर माफी मांग रहे इन बदमाशों द्वारा हाल ही में जमकर हल्ला मचाया जा रहा था। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उत्पात मचाने वाले के हाल ऐसे बेहाल हुए कि वो अब खुद ही अपनी हरकतों पर शर्मसार नजर आ रहे हैं। इन बदमाशों को दहशतगर्दी फैलाने का इतना शौक है कि अक्सर ये बदमाश सोशल मीडिया पर हथियार लहराते वीडियो वायरल करते हैं। दरअसल 2 नवंबर की रात को बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और कैफे और कॉलोनी में मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, दहशत का माहौल बना दिया। पुलिस ने तत्काल 5 बदमाशों को पकड़ा और क्षेत्र में इनका जुलूस निकाला, जहां बदमाश उठक बैठक लगाते नजर आए, साथ ही लोगों से माफी भी मांगते नजर आए। बता दें ये पूरा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी का है, जहां स्थित कैफे में बदमाशों ने तोड़फोड़ की और 2 युवकों पर चाकूबाजी की। इसके बाद बदमाशों ने जमकर देर रात तक उत्पात मचाया और कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर लोगों को धमकाया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चंद ही घंटों में पुलिस ने इन बदमाशों को धर दबोचा। इसके बाद का नजारा देखने लायक था। दरअसल पुलिस को तलाश थी बदमाशों के हथियारों की, तो पुलिस हथियारों को जब्त करने के लिहाज से बदमाशों के साथ सड़क पर उतरी और इसी दौरान बदमाशों द्वारा लोगों से माफी मांगी गई, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए, क्योंकि हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले 2 दिन पहले दहशत फैला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल रात में कुछ करीब 5-6 बदमाशों ने एक चाय पान की दुकान पे चाकूबाजी की थी और 2 लड़कों को चाकू मारे थे। उसके बाद में यहाँ खासगी का बगीचा में भी आकर इन लोगों ने कुछ गाड़ियाँ तोड़ी थी और चलते फिरते राहगीरों को मार के दहशत फैलाई थी। पूरे इलाके में एकदम खौफ कायम हो गया था। तो जब आज इनकी फिर हमने धरपकड़ के दबिश देकर इनको पकड़ा है 5 लोगों को, और इनने जो चाकूबाजी की थी वो चाकू हमें बरामद करना है। तो ये बरगला रहे हैं कि यहाँ छुपाया वहाँ छुपाया, तो जहाँ जहाँ इनने बताते हैं उन स्थानों पे जाके चाकू की तलाश कर रहे हैं, तो चाकू तलाशने के लिए निकली है पुलिस। सर क्षेत्र में लोगों से किस तरीके से इनको पुलिस निकाला? अब माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से चलते चलते वो, कि हमसे गलती हो गई है, अब दोबारा नहीं करेंगे। लोगों से चलते हुए लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। सर क्या कोई रिकॉर्ड वगैरह पुराने? सभी के रिकॉर्ड है, सब क्रिमिनल हैं। उसके अमन जो है चिकना, उसके 6 और 2 8 अपराध हो गए हैं, और मलारगंज थाने में भी 3-4 अपराध हैं उसके।